टीजर बहुत वेट किया जा रहा था इसका, जैसे कि आप सबको पता है कि ये और सिंघम जो है Clash एक साथ रिलीज होने वाली है, मतलब उनके तरफ से तो मतलब रोहित शेट्टी के तरफ से, प्रोडक्शन की तरफ से तो यही आया है न्यूज की, बट उनका कुछ अभी तक आउट नहीं हुआ है, इसका आउट हो चुका है तो फाइनली आई थिंक दोनों ही वेट कर रहे थे कि कौन पहले आउट करेगा कौन पहले आउट करेगा, बट हाँ दोनों बहुत बड़े बैनर की फिल्म है तो देखो क्लैश में क्या होता है। तो जैसे कि पता है इसमें कार्तिक आर्यन है, तृप्ति डिमरी है, माधुरी दीक्षित भी है, विद्या बालन भी है, सो देखते हैं, बट हाँ एक वो अक्षय कुमार की कमी तो हमेशा ही खलेगी क्योंकि अक्षय कुमार तो भाई अक्षय कुमार ही है एंड नथिंग कैन रिप्लेस द ओरिजिनल भूल भुलैया एटलीस्ट फॉर मी एंड फॉर हर टू। सो हम लोग एज भूल भुलैया टू भी देखा हुआ है तो उसका तो स्टोरी लाइन पूरा ही चेंज कर दिया था, मतलब बस नाम ही भूल भुलैया टू दिया था पर स्टोरी लाइन वगैरह पूरा ही अलग था, बस वो एक हवेली वाला कॉन्सेप्ट छोड़कर पूरा ही अलग था। अब डेफिनेटली उसमें कियारा आडवाणी थी और उसमें विद्या बालन नहीं थी तो वो तब्बू थी, हाँ तब्बू थी उसमें, तो उसमें भी हमने जो ओजी रियल भूल भुलैया था उसको बहुत मिस किया था, जब वो मूवी हम देखने गए थे तो बहुत मिस किया। सीक्रेट की बात, सीक्रेट बात तो मैंने भूल भुलैया टू देखी ही नहीं है। हाँ सीक्रेट कुछ नहीं है इसमें, मैंने देखे थे बट मैंने मूवी नहीं देखी, बट मूवी कुछ खास इंटरेस्टिंग हमें लगी नहीं थी। सच बोलू तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था वो मूवी देखकर क्योंकि एक्चुअली वो बैनर के नेम की वजह से ज्यादा सुपर हिट जा रही थी, बट मूवी के अंदर का जो चीज था स्टोरी लाइन नहीं समझा था एक्चुअली, क्योंकि जिन्होंने ओजी ओल्ड वाला भूल भुलैया देखा हुआ है उनके लिए भूल भुलैया एक इमोशन है, सो उस हिसाब से वो मतलब क्लैश भी कर रही है मूवी। और मेरा फेवरेट जेनर है हॉरर कॉमेडी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जेनर आई थिंक ऑलमोस्ट 80% लोगों को पसंद है, अगर उस बेंचमार्क को तुम पार कर जाओ तो। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टीजर देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन, तो स्टार्ट करते हैं। शकुनी बेदमागी, मेरा सिंहासन उसको दिया तूने? क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही हैं। कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। डायन है वो भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। माधुरी दीक्षित को नहीं दिखाया तो दिस वाज द टीजर।
टीजर अच्छा लगा मुझे, जेन्युइनली अच्छा लगा टीजर, क्योंकि भूल भुलैया 2 से तो ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये टीजर। नहीं नहीं, भूल भुलैया 2 से काफी मतलब बहुत अपर लेवल का लगा मुझे ये टीजर, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट दिख रहा है, कॉन्सेप्ट दिख रहा है। भूल भुलैया जो मेन भूल भुलैया था उसके साथ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसमें शो हो रहा है, बट उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। भूल भुलैया 2 में बस लास्ट वाला पोर्शन इंटरेस्टिंग था, जब पता चला था कि वो बुरी वाली तब्बू जिंदा है और अच्छी वाली तब्बू जो तो नहीं था उनका कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही, मैं रियल वाला बात कर रही हूं, यही था एंड। और इसमें विद्या बालन है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड। उनकी जो एंट्री दिखाई मतलब ऐसे डायरेक्ट गाली वाली से एंट्री होगी, उन्होंने उठाया वो सिंहासन, वो बेड वाला सीन, मुझे वो बेड वाले सीन याद आ गए। बट उसको कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल भूल भुलैया जो थी उसके ऊपर उसको मतलब वहां से तो विद्या बालन के अंदर जो मंजुलिका घुसी थी उसको निकाल दिया था। आई थिंक हो सकता है ये रियल वाला हो, क्योंकि भूल भुलैया जो मेन भूल भुलैया था उसमें भूत का एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं, भूत का मतलब वो साइकोलॉजी से जोड़ दिया था, भूत था नहीं, नहीं उसमें रियल भूत उसमें नहीं था, बट भूल भुलैया रियल भूत था, रियल भूत नहीं था, रियल भूत था। विद्या बालन को खुद में वो उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था ना, क्योंकि लोगों को पहले क्या बोला था जब वो बाबा आए थे कि लोगों को पहले के टाइम पे लगता था कि ये भूत वाला है, बट वो भूत नहीं था, तो उस हिसाब से मानसिक बीमारी या वन जो था उसमें भूत नहीं था, भूत नहीं, अरे भूत नहीं था, एग्जैक्ट भूत नहीं था उसमें, वो हॉरर कॉमेडी इसीलिए थी, तो फिर वो तो साइकोलॉजिकल कॉमेडी हो गई, मतलब हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल, क्योंकि उसमें भूत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें पूरा इसी बेस पे दिखाया गया था कि जब लोगों को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जब लोग ज्यादा सोच लेते हैं तो ऐसा कभी हो जाता है। बट भूल भुलैया 2 जो थी उसमें एक प्रॉपर भूत थी, मैंने परसों ही देखी भूल भुलैया आगे, मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं देखती हूँ, तो वो भूल भुलैया 2 जो थी उसमें प्रॉपर भूत थी, क्योंकि उसमें पूरा भूत का ही कॉन्सेप्ट था, बट भूल भुलैया 1 में भूत का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लेकिन इसमें लग रहा है कि हाँ इसमें भी है, हाँ कि भूत का कॉन्सेप्ट है। एंड माधुरी दीक्षित को तो अभी तक शो किया ही नहीं गया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि माधुरी दीक्षित हो सकता है वो हेल्प करे, रू बाबा की हेल्प करे, वो हेल्प करने आएगी रू बाबा की। विद्या तो क्या फिर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं ऑब्वियसली हॉरर कॉमेडी है तो कॉमेडी ही रहेगी, हाँ तो नेगेटिव तो नहीं, बट हाँ मुझे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टीजर आया है, अभी इसका ट्रेलर आएगा, अगर ट्रेलर मुझे बहुत होप्स है इसके बाद ट्रेलर से, ट्रेलर अगर इतना इंटरेस्टिंग रहता है तो ऑब्वियसली नहीं। हम सच बता तो जब हमें पता चला था कि भूल भुलैया 3 में विद्या बालन है, तभी हमारे अंदर थोड़ी बहुत होप आ गई थी, हाँ। कि अगर विद्या है तो डेफिनेटली कार्तिक के लिए भी एक्साइटमेंट रहती है, ऐसा नहीं कार्तिक के लिए नहीं रहती है, ऑब्वियसली रहती है, बट भूल भुलैया 2 में वो एक्साइटमेंट चली गई थी क्योंकि एक ओरिजिनल वाले के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ था, कॉमेडी लग नहीं रहा था, वो फोर्स कॉमेडी, वो ऐसा लग रहा था कि जो मैंने टीजर देखा था, ट्रेलर देखा था, मुझे बहुत फोर्स्ड लग रहा था, दैट्स व्हाई मैं एग्जैक्टली, इवन जो कॉमिक टाइम्स वगैरह भी था ना वहाँ पे, कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट था बट वो कॉमिक हो नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि फोर्सफुली कॉमिक करवा रहे हैं उससे। आई वांट टू सी कि तृप्ति डिमरी के साथ भी कैसी केमिस्ट्री रहती है, क्योंकि हम लोग टीजर देख के तो बता नहीं सकते कि कैसी केमिस्ट्री रहेगी नहीं रहेगी, अब ट्रेलर देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसी केमिस्ट्री रहेगी। एंड आई डोंट थिंक सो इतना कुछ खास वो लव एंगल पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो 1 पे भी नहीं किया गया था, नॉर्मल सा था, हॉरर कॉमेडी है ऑब्वियसली। मुझे सबसे अच्छी बात भूल भुलैया फ्रेंचाइज की ये लगती है कि 2 में उन्होंने सॉन्ग का जो रियल सॉन्ग है उनमें भूल भुलैया का जो टाइटल सॉन्ग है उसको चेंज नहीं किया था, हाँ थोड़े बहुत ट्यून्स वगैरह में चेंज हुआ, फास्ट कर दिया था, इसमें मॉड्यूलेशन किया था थोड़ा सा, वही था, इसमें भी ट्यून वगैरह सेम है, तो मुझे ये चीज अच्छा लगता है कि जो रियल सॉन्ग है उसको बिगाड़ा नहीं है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें भी वो अमीर जो तुम्हारे वाला वो रहेगा, क्योंकि सेकेंड वाले में वो स्टार्ट हुई श्रेया का था, उसमें अरिजीत सिंह का था, वैसे ये भी मेल वर्जन था भूल भुलैया 2 में, सो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें दोनों का एक साथ हो, क्योंकि उसमें बर्ग का पोर्शन था, इसमें होप सो, क्योंकि अरिजीत और श्रेया दोस्तों साथ में बहुत
सही काम किया एंड आई होप कि वो सॉन्ग को निकाला ना हो वो सॉन्ग को प्लीज रखे इसमें क्योंकि वो एक मेन सॉन्ग है स्टार्टिंग में तो हाँ वो ट्यून आया था ट्यून आया था तो सॉन्ग नहीं आमिर से तुम्हारा भी बोल हाँ तो सॉन्ग भी तो पूरा ही होगा आएगा आएगा पूरा सॉन्ग आएगा अभी तो रियल सॉन्ग जो मतलब जो टाइटल सॉन्ग है वो आउट होगा ये सॉन्ग भी आउट होगा और मैंने सुना है एक न्यूज सुनी मैंने कि लबो को लबो पे सजाओ सॉन्ग का रीमेक बना रहे हैं मैंने भी सुना था ये न्यूज आ रही थी पिछले 5-6 दिन से ये न्यूज आ रही है मूवी चाहे कितनी भी अच्छी हो टीजर बहुत अच्छा है कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छा लग रहा है ओरिजिनल सॉन्ग रखा है कोई ये नहीं है बट लवो को लवो पे सजाओ वो जो सॉन्ग था दैट वाज इमोशन इमोशन तो आई डोंट थिंक सो उस सॉन्ग के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए केके के वॉयस में थी वो सॉन्ग केके का वॉयस मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पे किसी और को डाल देंगे तो एंड सेकेंड ऑफ ऑल उसमें विद्या का और उनका जो केमिस्ट्री हाँ उनका जो केमिस्ट्री दिखाया गया था केमिस्ट्री की बात वो नहीं एक केमिस्ट्री थी वहाँ पे बट वो एक क्या है वो दिमाग में एक फिट हो गई है कि हाँ ये सब मतलब ये लोग दोनों अब अचानक से अगर उसको ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं यार मतलब ऐसे आई एम नॉट हैप्पी विद इट अब मैंने तो देखा मोस्ट ऑफ द लोग इस डिसीजन से हैप्पी नहीं है क्योंकि एज डेफिनेटली जिन लोगों को सॉन्ग का टेस्ट है चॉइस है वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई सॉन्ग जो एवरग्रीन काइंड ऑफ हो जिसके साथ एक अलग मेमोरीज हो उसको आप अचानक से एक प्रोजेक्ट पे फिर से रीमेक कर दो भूल जैसे कि भूल भुलैया का जो थीम सॉन्ग है या फिर जो आमिर चाहता हूँ वो सब एक नॉर्मल होती है बट वहां से एक मतलब मूवी के अंदर का एक सॉन्ग को भी लेकर उसको भी रीमेक कर दो आई होप कि सॉन्ग को रीमेक ना करके फिर वही सॉन्ग रख दो तो ज्यादा बेटर है उस सॉन्ग को चेंज ही मत करो फिर ये कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे उदित नारायण के एक सॉन्ग अभी जो है वो रिप्लेस मतलब रीमेक में ही हुआ था उसका कुछ भी चेंज नहीं किया था उसको सेम ही रख दिया था बस थोड़ा बहुत ट्यून चेंज किया था लेट्स सी यार क्या होता है एक्साइटमेंट तो है देखो बहुत क्योंकि हाइप बहुत बनी हुई है मूवी की तो और अच्छा भी लग रहा है तो अच्छा ही लग रहा है और आई होप कि एक अगर थोड़ा सा कैमियो अक्षय कुमार का करवा दे तो बहुत बेटर होगा विद्या वरण के साथ अगर छोटा सा कैमियो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मूवी के अंदर हो मूवी के अंदर में नहीं था मूवी के अंदर क्योंकि स्त्री में भी अक्षय कुमार का जो ये था वो टीजर ट्रेलर किसी में नहीं डाला गया था नहीं वो सब तो अंदर की बात है तो मूवी में देख सकते हैं तो वो सकता है आई वांट की एक छोटा सा मतलब कैमियो अगर ला दो तो बेटर रहेगा आई वॉन्ट टू सी अगर दोनों साथ में मिलकर करते हैं कार्तिक आर्यन एंड नहीं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा अगर एंड के तरफ ट्रेलर या फिर एंड के तरफ नहीं ये पॉसिबल नहीं क्या फिर हो सकता है विद्या के अंदर अभी भी हो और उसको निकालने के लिए अक्षय कुमार को ही बुलाए फिर से वैसे करके ये भी तो हो सकता है ना इफ किया जाए हो सकता है ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते कर तो सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो करेंगे देखते हैं लेट्स सी खैर गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन वी आर एक्साइटेड एंड यस तो अभी और तो टीजर ट्रेलर आना है गाना आना है उस पर भी हम लोग देंगे रिएक्शन तो स्टे ट्यून एंड आई होप वी होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा रिएक्शन तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं अगर आप हमें अभी फॉलो करना चाहो तो आप हमें अभी फॉलो कर सकते हो अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।